नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ताजा खबरों में। विधानसभा घेराव करने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने सांसद और विधायकों को भी नहीं बख्शा। इस बीच जहानाबाद के जिला भाजपा महासचिव विजय कुमार सिंह की पुलिस पिटाई से मौत हो चुकी है। उनके सिर पर लाठी मारी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को अपने दो दिवसीय दौरे के तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। पीएम का विमान पेरिस के ओरली हवाई अड्डे पर उतर गया है। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार शाम के करीब 7:30 पर पीएम मोदी सीनेट पहुंचेंगे। इस दौरान वह सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लॉर्चर से मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली पानी पानी हो रही है। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। कहीं लोग पानी में फंसे हैं तो कहीं सड़कों पर लबालब जाम लगा है। दिल्ली मेट्रो ने भी अपने कई प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। इसी के साथ मेट्रो की रफ्तार भी कम कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मानहानि के मामले में फंस गए हैं। दोनों को गुरुवार को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होना है। दोनों नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये थे हमारी आज के खास बुलेटिन। आगे के खास बुलेटिन के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स।